आज की इस वाली वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। काफी लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि इंस्टॉलेशन वीडियो लाओ, और जो मेरे प्रीवियस ग्राफिक मोड पैक की वीडियोस आ रही हैं उनके अंदर भी मैंने इंस्टॉलेशन नहीं दिखाया है, और उन वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा है कि मैं आगे जाके फ्यूचर में इंस्टॉलेशन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे। तो ये वीडियो गाइस फाइनली आज के दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। आप कोई भी मोड पैक को डाउनलोड करते हो मेरे वीडियो से, वो कोई भी मोड हो सकता है, उसको आप अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करोगे, वो सभी चीजें आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर पता लगने वाली है। और आगे भी जो भी बहुत सारे मोड जो आने वाले हैं चैनल पे, उनका भी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सेम होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है अपने फोन में, डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऑल इन वन वीडियो होने वाली है फॉर ऑल दी मोड पैक्स जो कि मैं फ्यूचर में जाके अपलोड करने वाला हूं। और उन मोड्स को आप सिंपली इंस्टॉल कर पाओगे, चाहे कि कोई भी मोड क्यों ना हो, आप इंस्टॉल कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ऑल्दो काफ़ी लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता होता है कि क्या इंस्टॉलेशन में करना होता है डाउनलोड करने के बाद में, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, और जो लोग कमेंट में भी मुझे बोलते हैं कि आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं बताया है, हमको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं पता, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। और कुछ लोगों का गेम क्रैश करता है और कुछ लोग ढंग से इंस्टॉल कर नहीं पाते, तो वो बिल्कुल गेम खेल नहीं पाते, कहीं ना कहीं क्रैश कर जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। आगे बढ़ने से पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा सभी लोगों को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, और जिन लोगों ने किया है प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिए कि वो ऑन है या ऑफ है, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन काफ़ी कम लोगों के पास जाते हैं, और वो बाद में ब्राउज़र के थ्रू जब अपना यूट्यूब ओपन करते तब उनको वीडियो रिकमेंड होता है। इससे अच्छा आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, चेक कर लीजिए अगर नहीं है, और जिन लोगों ने ऑन कर रखा है प्लीज़ उनका भी वो लोग भी चेक कर लीजिए एक बार कि उनका बेल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं। YouTube नोटिफिकेशन बहुत कम भेजता है कभी कभार, तो उन सिचुएशन में आपको अपना बेल नोटिफिकेशन को तो एटलीस्ट चेक करना ही होगा। और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है वीडियो की, तो आप ये काम कर सकते, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑफ करके एंड अगेन ऑन कर सकते हो, इससे रिफ्रेश हो सकता है एल्गोरिदम एंड आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये सब बातें मैंने आपको बता दी है, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इंस्टॉलेशन वीडियो के ऊपर, आपको बता रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको ZArchiver एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ZArchiver आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है फाइल मैनेजर की तरह, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो मॉडर्स एंड जो GT San Andreas के यूट्यूबर्स है वो इस वाली एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने मोड को इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज आई थिंक ये वाली जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, और मैं तो पिछले 5-6 सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो मैं पूरा यूज़ टू हो चुका हूँ इस वाली एप्लीकेशन का। तो इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, आपको देखना है आपका फोल्डर आपने जो डाउनलोड किया है, दो फाइल्स होगी जो कि होगी आपकी APK एंड होगी आपकी डेटा फाइल, ठीक है। दोनों में से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके, इसका भी लिंक आपको हर एक मोड पैक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंस्टॉल होती है पहले से फ़ोन में तो इंस्टॉल मत करना, स्किप कर देना, उसके बाद में आपको जो फाइल है मेन फाइल कंप्रेस्ड फाइल उसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, क्लिक करके पासवर्ड आपको डालना रहेगा। पासवर्ड आपको क्या डालना है, पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी वीडियो से आप मोड डाउनलोड करोगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि पासवर्ड क्या है भाई, तो प्लीज़ अपना जो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए कि पासवर्ड है कि नहीं, और अगर नहीं मिलता है फिर मुझे कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने का टाइम आपको लगेगा थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस, जस्ट एक्सट्रैक्ट होते ही यहाँ पे फोल्डर मिलेगा एंड फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद में कॉमडोर रॉकस्टार गेम डॉट GTSA में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, एंड फाइल्स में जाने के बाद में यहाँ पे TXDB का जो फोल्डर मिल रहा है इसमें जाएंगे,
होंगे एंड यहाँ पे आपको कटसीन GTA 3 GTA INT एंड TXT ये चार फाइल्स को आपको रीनेम करना है। उसके अलावा आपको कोई भी फोल्डर को रीनेम नहीं करना है और जो मोडपैक मैं प्रोवाइड करूँगा हो सकता है कि उसमें कटसीन का फोल्डर ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट जाएंगे रीनेम वाला जो स्पेलिंग है इसको यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव करके और अपने GPU का नेम लिखेंगे। GPU का नेम आपका आपके फ़ोन के अंदर ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको अपना GPU पता होना चाहिए फ़ोन का, ठीक है। फ़ोन का GPU पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। जैसे मेरा यहाँ पे ETC है, मैं ETC लिख रहा हूँ। आपका जो भी हो सकता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अलग अलग GPU के अकॉर्डिंग क्या क्या नेम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बैक जाएंगे एंड GTA 3 का जो फोल्डर उसमें जाके भी हम इसको रीनेम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया चार फोल्डर के अंदर रीनेम करना है, और रीनेम का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, उसकी वजह से गेम उनका क्रैश करता है। क्योंकि यहाँ पे एक डॉट भी अगर मिस हुआ तो वो आपका गेम क्रैश कर देगा, तो एक भी डॉट मिस नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका गेम क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा। और फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि मेरा गेम क्रैश कर रहा है। काफ़ी लोगों का ये भी एक इशू होता है कि इंस्टॉलेशन वीडियो पूरी देखते नहीं है और इसलिए मोडपैक डाउनलोड करके जस्ट वो इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में उनका गेम क्रैश करता है, और फिर मुझे वो कमेंट में आके बोलते हैं आपका गेम मोडपैक क्रैश कर रहा है। तो गाइस एक बार इंस्टॉलेशन वीडियो को देख लीजिए, ऑल्दो अगर आपका गेम फिर भी क्रैश कर रहा है तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। GTA INT का जो फोल्डर है इसको भी यहाँ से हम रीनेम करेंगे, रीनेम को यहाँ पे जैसे हटाएंगे यहाँ पे ET से लिखेंगे, ऐसे आपको तीन फोल्डर जहाँ जहाँ रीनेम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ये जो है काम करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे रीनेम स्पेलिंग लिखी हुई है उसको आपको रिमूव करना है, एंड रिमूव करने के बाद में आपको अपने GPU का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना जो काम है वो फिनिश कर दिया है ET से लिख लिख करके अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। मैं अगेन रिपीट करूँगा गाइज, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिखना है। मेरा यहाँ पे ETC इसलिए मैं ETC लिख रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे PVR होता है तो आपको PVR लिखना है, मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि मिस्टेक करी गेम आपका क्रैश हुआ। ये वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा आप, एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है, मैं अभी भी रीनेम किया जा रहा हूँ, क्योंकि एक लास्ट फोल्डर है हमारा TXT, इसको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जाएंगे एंड इसी को भी हम यहाँ से कर देंगे ETC, ओके करेंगे, एंड यहाँ पे जो लास्ट फाइल है इसको भी रीनेम करके क्लिक करके एंड यहाँ पे ETC इसको भी मैं कर दूंगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका फिनिश हो गया है। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको बैक जाना है एंड फोल्डर को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद में डिवाइस मेमोरी में जाना है एंड एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड ये सिंपल सा स्टेप आपको करना है बस। उसके बाद में आपको अपना गेम APK को यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा होम स्क्रीन पे जाके, एंड देन आपका गेम चल पड़ेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत अच्छे से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिनिश कर दिया है। और मेरे जो भी आगे की जो वीडियोस आ रही है उनमें भी जो मैं मोडपैक अपलोड करूँगा तो उनका भी जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का वो सेम होने वाला है। सो डोंट वरी गाइस कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिफरेंट होगा, अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है तो उसके बारे में भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या ऐसा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं रिमाइंड देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि GTA San Andreas से रिलेटेड वीडियोस आ रही है चैनल पे, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप GTA San Andreas के फैन हो और अपने फोन के अंदर मोड इंस्टॉल करते हो, मोडिंग करते हो, PC में मोडिंग करते हो, GTA 5 के फैन हो, GTA की गेम प्लेस देखना पसंद करते हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कनेक्ट दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय गाइज़।